दोस्तों, हमारे आसपास कई बार दिल छू लेने वाली घटनाएं होती हैं। कई तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, कई वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते हैं, और अब तक हम आपको ऐसे 3 वीडियो दिखा चुके हैं जिन्हें हमारे दिलों ने छुआ है। और इसी श्रृंखला में आज हम आपको एक और वीडियो दिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो है गुजरात के राजकोट जिले का, जहाँ पुलिस कर्मियों की भी आंखें उस वक्त बाहर आईं जब उन्होंने 4 अनाथ बच्चों की कहानी सुनी। पिता घर छोड़कर चला गया, 4 महीने पहले माँ को मौत ने अपने आगोश में ले लिया। 4 मासूमों की कहानी ने पुलिस वालों की आंखों में भी आंसू ला दिए। चलिए जानते हैं और देखते हैं इस दिल छू लेने वाले वीडियो को। दोस्तों, बच्चों ने बताया कि उनका पिता घर छोड़कर कहीं चला गया, माँ उन्हें पाल रही थी, लेकिन 4 महीने पहले माँ की भी मौत हो गई। तब से खाने पीने के लाले पड़े हैं, बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है। पुलिस कर्मियों के मुताबिक चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रतिनिधि नीरज भट्ट ने शहर के मालवीय नगर थाने पर पहुंचकर ये सूचना दी कि राजकोट के मवड़ी चौकड़ी ओवर ब्रिज के नीचे एक होटल के सामने करीब 1 हफ्ते से 4 मासूम अकेले रह रहे हैं, रो रहे हैं, उन्हें खाने पीने को नहीं मिल रहा है, उनकी माँ नहीं है, पिता छोड़कर भाग गया है। बच्चों ने बताया कि वे चारों कुछ समय से जामनगर रोड पर भीख मांगकर खाते हैं। किसी ने उन्हें खाने को दिया तो खा लेते हैं, नहीं तो भूखे रहते हैं। वे करीब 8 दिनों से वहाँ रह रहे हैं। ओवर ब्रिज के नीचे उन्हें छोड़ दिया गया था और वे तब से वहीं हैं। ये बातें सुनकर पुलिस कर्मियों की आंखों से आंसू आ गए। बच्चों ने अपनी माँ का नाम उषा बताया। उन्होंने बताया कि जब वो हमारे पास थी तो हम भगवती परा पुल के नीचे रहते थे। लंबे समय से पिता घर नहीं आए, तब माँ हमें पाल रही थी, लेकिन अचानक ही माँ की मौत हो गई। ये सारी बातें सुनकर पुलिस कर्मियों की आंखों में आंसू आ गए। पुलिस आयुक्त मनोज अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त खुर्शीद अहमद और मनोहर सिंह जडेजा की आंखों में आंसू आए। उन्होंने इन बच्चों की मदद की, इन्हें खाने के लिए दिया और इनकी पूरी मदद की, सहायता की। बालाश्रम में कराई रहने की स्थायी व्यवस्था, इन बच्चों को ओवर ब्रिज से हटाकर बच्चों के रहने खाने की स्थायी व्यवस्था पुलिस आयुक्त मनोज अग्रवाल ने की। थाने के निरीक्षक बुक्कड़ एंड डी स्टाफ के उप निरीक्षक झाला टीम के थानेदारों ने बच्चों को नहलवाया, खाने खिलाए, अच्छे कपड़े दिए, उनका भरपेट भोजन भरवाया, खिलौने दिए और भरपेट भोजन करवाया, और बच्चों को एक आश्रम में रहने की स्थायी जगह भी दिलवाई। क्या कहेंगे आप इन पुलिस कर्मियों के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।